पेरेंट्स ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि बेटा उन फ्रेंड्स के साथ मत रहो, उन फ्रेंड्स के साथ मत रहो। जो अच्छे बच्चे हैं, जो ओबीडियंट हैं, उनको भी ऐसा लगता है बहुत बार कि रहे कि नहीं रहे, और ये कंफ्यूजन हमेशा चलता ही रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दोस्त किन्हें बनाएं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम दोस्त बना सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कौन से दोस्त चुने वो आपके हाथ में नहीं होता, पर किन दोस्तों की सुने वो आपके हाथ में होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्त किन्हें बनाएं। दोस्तों दो मिनट के लिए मैं इस लीक से हटने वाला हूं और मैं एक चीज बात करने वाला हूं, वो चीज क्या है देखिए कि अगर सपोज करें एक डॉक्टर है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम सुन तो रहा है पर उसका सलूशन नहीं दे रहा है, या हम डॉक्टर के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर तो कर पा रहे हैं पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्या लगता है आपको वो सही डॉक्टर है कि गलत डॉक्टर है? यही चीज हमको समझनी पड़ेगी कि दो तरीके के फ्रेंड्स होते हैं। पहला वो जो ये बोलता है कि वो प्रॉब्लम सुन तो देता है, हम जनरली बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज आई शेयर ऑल माई प्रॉब्लम्स एवरीथिंग विथ हिम हर लाइक दिस। पर प्रॉब्लम शेयर करने से क्या उसका समाधान हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम शेयर करने से सोल्यूशन निकल जाएगा? नहीं निकलने वाला। चार डॉक्टर्स मेरे सामने हैं और मुझे कोई बीमारी है, मैं शेयर तो चारों के साथ में कर सकता हूं पर डॉक्टर सही कौन है जो मुझको सॉल्यूशन देगा? मैं 10 डॉक्टर के साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता हूं, सॉल्यूशन एक भी नहीं दे रहा तो मेरे लिए डॉक्टर काम का नहीं है। तो आप दो तरीके से दोस्त बना सकते हैं कि एक तो वो जो आपको कुछ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और आप उनको कुछ बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, और दूसरे वो जो थोड़े से आपसे बड़े हैं, लाइक वो आपके मामा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपकी कोई बड़ी दीदी हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा कोई भी, उनको आप दोस्त बना सकते हैं। उनको दोस्त बनाने से क्या होगा, वो एंजॉयमेंट तो नहीं करेंगे आपके साथ, एंटरटेनमेंट तो नहीं आएगा आपको, फन तो नहीं आएगा, वो फन फोकस्ड नहीं होते क्योंकि, पर एक चीज बहुत बड़ा फायदा होगा कि वो केवल आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, वो केवल ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वो सोल्यूशन भी साथ में देंगे। आजकल फ्रेंड्स में हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन हो तो रही है पर किस तरीके से हो रही है, जैसे अगर मैं मेरे फ्रेंड के पास जाता हूं तो और मैं उसको कहता हूं कि यार मेरे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्योंकि वो भी मेरे बराबर ही एज में है, ऑब्वियसली बात है तभी तो मेरा फ्रेंड है, मुझे कोचिंग में मिला होगा, मुझे किसी स्कूल में, किसी क्लास में, किसी कॉलेज में मिला होगा, या मेरे कलीग होगा, तो ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ज्यादातर बॉस इतने फ्रेंडली होते नहीं कि हम उनसे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकें। वहां क्या होता है, वो लोग कुछ ऐसा सजेशन देते हैं कि एक काम कर यार, चल पार्टी करने चलते हैं, भूल जाए इन चीजों को। अगर मेरे सामने एक शेर खड़ा है, अगर मेरे सामने एक सांप है और मैं आंखें बंद करके सो जाऊं कि मैं सो जाता हूं, तो क्या होगा, सांप चला जाएगा, सांप मुझे नहीं काटेगा, क्या प्रॉब्लम चली जाएगी? एक कबूतर है, उसके सामने बिल्ली है, और कबूतर बोले कि मैं सो रहा हूं बस, अब मैं नींद में जा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है बिल्ली उसको नहीं खाएगी? वो तो खाएगी। प्रॉब्लम भी उसी बिल्ली की तरह है और इसको हमको जल्दी से जल्दी समझना होगा। शेयर करने से, उस प्रॉब्लम से भागने से उसका सलूशन नहीं निकलने वाला। तो ट्राई ये करें, ऐसे फ्रेंड्स को चुने जो प्रॉब्लम शेयर करने में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में सॉल्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब आप मैच्योर फ्रेंड्स चुनेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम उन फ्रेंड्स को फोकस कर रहे हैं जो हमको पार्टी देते हैं, जो उनके बर्थडे पार्टी पर हमको बुलाते हैं और हम उनको अपने बर्थडे पार्टी पर बुला सकते हैं। क्या आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं मैच्योर है। आप फ्रेंड्स चुने, पेरेंट्स अगर आपके मैच्योर फ्रेंड्स होंगे तो वो बहुत खुश होंगे। पेरेंट्स आपको रोकते हैं, बेटा उन फ्रेंड्स के साथ मत रहे, फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़, दोस्तों के चक्कर में मत पड़, सहेलियां तेरी लाइफ बर्बाद कर देगी। ये जो सेंटेंसेस हैं उनको हम 100% गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो हमको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपकी केवल प्रॉब्लम को शेयर करने के काम ही नहीं आते, प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक आपके साथ रहते हैं, तो आपके फ्रेंड्स का चुनाव एकदम सही है। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम को सुन तो लेते हैं पर सोल्यूशन के लिए पार्टी या चल कहीं घूमने चलते हैं 10 दिन के लिए, यार भूल जा थोड़ी देर सो जा, या आपको गलत सलत तरीकों में डालते हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, कि तू भूल जाएगा, तू नशे में चला जाएगा, तेरे को याद ही नहीं रहेगा कि तेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो फ्रेंड्स नहीं है, वो बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं है। वो उस मोबाइल की तरह है जो एक बच्चे को किसी से कनेक्ट करने के काम आए नहीं आए, डिस्कनेक्ट करने के काम जरूर आ जाता है उन लोगों से जो उसी छत के अंदर रहते हैं। ये समझना पड़ेगा हमको।
अगर फ्रेंड का चुनाव सही किया तो लाइफ में आप भी एक उदाहरण बनेंगे कृष्ण सुदामा की तरह, नहीं किया तो आप उदाहरण बन सकते हैं उन सभी लोगों की तरह जो फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे थे और उनकी फ्रेंडशिप सिर्फ पार्टी करने तक काम आई, आगे कोई काम नहीं आ पाई। सो गाइस, आज की वीडियो केवल इसी बारे में थी, आज का टॉपिक केवल इसी बारे में था कि किस तरीके से हमको फ्रेंड्स का चुनाव करना चाहिए, किन फ्रेंड्स की सुने, कैसे फ्रेंड्स को चुने, किन्हें फ्रेंड्स बनाए, उन्हें ही फ्रेंड्स बनाना है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हम उनके साथ प्रॉब्लम को शेयर कर सके और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसी तरीके से हमको भी इतना मैच्योर होना चाहिए कि जब वो हमको प्रॉब्लम शेयर करे तो हम भी उनको सोल्यूशन दे सके। थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज डॉक्टर अभिलाष मोदी, आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।